एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा अलोना गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि घी शक्कर जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, थपथपा कर उसको जो गाय का गोबर होता है, जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है?